विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जहां देवास जिला कलेक्टर ने सतवा क्षेत्र के दूरस्थ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिले के दूरस्थ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान सतवास तहसील के गजाखेड़ी थाना घाट लोहारदा के मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वहीं जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज जैसा कि हम सब जानते हैं 17 नवम्बर को पूरे मध्य प्रदेश में एक फेज में चुनाव है, उसी के अंतर्गत हमारे ज़िले में 1419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ जैसे कि आपका शौचालय, पीने का पानी, वहाँ पर रैंप की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, दो दरवाज़ों की व्यवस्था यथासंभव हो सके तो, ये सब व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया गया है। तो हमारे मतदान केंद्रों पे क्या ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित रूप से हैं कि नहीं हैं, इसी के संदर्भ में आज CO जिला पंचायत महोदय के साथ में दौरा किया गगया है, जिसमें मुख्यतः हमारे हाट पिपलिया, बागली, चापड़ा, कांटा फोर्ट, लोहारदा, इन सब के हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनके दूरस्थ वाले मतदान केंद्र हैं और वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं। जो व्यवस्थाएँ हमने सुबह से देखी हैं मोरलेस सभी के सभी संतोषजनक पाई गई हैं। कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर हमारी मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटी से कम हो। एक निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक BLO को कि यदि मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की चित्रकला वगैरह ऐसी बनी हुई है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से मैच खाती है। वहीं इस दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत CEO हिमांशु प्रजापति, जनसंपर्क अधिकारी आनंद मोहन गुप्ता, सतवास तहसीलदार हरिओम ठाकुर, CMO प्रियंक पंड्या उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सतवास।